ने ऐसी गाड़ी चलाई, जुम जुम, बहुत मजा आया। चलो वहां बैठो। पिंकी का हेलमेट यहाँ रखा हुआ है और तुम उसे लापरवाही से बैठा कर गाड़ी चला रहे हो। अरे नहीं, बहुत कहाँ की समझदारी है ये, तुम्हें उसे अच्छी आदतें सिखानी चाहिए। तुम बहुत ही खुद ही बच्चे बने जा रहे हो, गिर जाते चोट लग जाती तो मैं क्या करती। हाँ अच्छा, गलती हो गई, अब ध्यान रखूंगा। पिंकी ले मेरे हाथ, थोड़ा सा खा ले बेटा। खा लिया? पक्का नहीं खाएगी? नहीं। ठीक है। अरे अरे क्या हो गया, आराम से खाओ ना। कौन सी गाड़ी छूट रही है? अरे नहीं, वो कीटनाशक के छिड़काव के लिए डॉक्टर साहब से जरूरी बातें जाननी है, बस उसी के लिए जाना था, वो निकल जाएंगे वरना। अरे पिंकी बेटा, भोला काका की दुकान तक तो जाना, इस पर्ची में जो लिखा ना वो ले आ, ये पैसे भी दे देना उनको। हाँ दौड़ जल्दी दौड़ दौड़ दौड़। पिंकी कहाँ गई? अरे भोला काका की दुकान तक भेजा उसे कीटनाशक लेने। अरे कीटनाशक है, कोई साग सब्जी नहीं, कहाँ तो उसे बच्चों की पहुंच से दूर रखते हैं, और तुम क्यों उसे भेज दिया, कुछ तो सोचा करो। अरे मैं लाना भूल गया था बस, एक मिनट में अभी आया। पिंकी समर, पिंकी पिंकी रख बेटा वापस, रख दे, रख दे उसे वापस, चल। क्या काका तुम भी, ये मुझसे क्या हो गया? अरे भाई क्या हुआ, मुझसे कोई गलती हो गई? हाँ गलती तो हुई है, एक मुझसे जो बच्ची को कीटनाशक लेने भेज दिया, और दूसरी तुमसे जो बच्चे को कीटनाशक थमा रहे हो। काका कीटनाशक बच्चों से जितना दूर उतना अच्छा, और फिर भी कोई गलती से लेने आ जाए तो साफ मना कर दो, याद रहेगा ना? माफ करना भाई, आज से जरूर याद रखूंगा। चले पिंकी आजा। पापा आप ये क्या कर रहे हो, ये यहाँ पर क्यों बांधा? बेटा कीटनाशक को कभी भी खाने पीने की चीजों के साथ नहीं रखना चाहिए, और ना ही उसमें जिसमें आप खाने पीने का सामान लाते हो, इसीलिए मैं इसे यहाँ बांध रहा हूँ, समझी? मम्मी मम्मी आपको पता है पापा ने इतने देर बाइक चलाई, लगता है आपकी सुबह की डांट की वजह से। ना 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 बेटा जी ना, बाइक पे कीटनाशक लाते वक्त आप बाइक तेज नहीं चला सकते, ऐसा करना हम सबके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। मुझे किसी की डांट स्वाट का डर नहीं लगता, ये तो मेरी अपनी समझदारी थी, नहीं? अरे अब क्या हुआ? समझदारी तो तुम्हारी है लेकिन चप्पलें मेरी है। हाँ तो ठीक है। आप सुरक्षित तो फसल सुरक्षित।